दोस्तों भागवत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, लेकिन फिर भी वृंदावन जैसा रस कहीं ना पाओगे। जी हाँ, यही रस पाने के लिए आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम, और वहाँ जाके हम बहुत सारे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसादम प्राप्ति करेंगे और देखेंगे कि अगर आप वृंदावन पहली बार आ रहे हैं तो कौन कौन। राधा राधा सब कहे, कृष्णा कहे ना कोई, कृष्णा के दरबार में राधा कहे सो होई। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में मथुरा से आए हैं वृंदावन, और हम अभी खड़े हैं श्री राधा मोहन मंदिर के आगे, जो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है। और अभी जो है मंदिर के अंदर जो है मंगल आरती हो रही है या फिर श्रृंगार दर्शन हो रहा है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप कैसे वृंदावन पहुंच सकते हैं, आपके रुकने की व्यवस्था क्या होगी, और क्या क्या प्रसिद्ध प्लेसेज हैं जो यहाँ पर आपको जाना चाहिए, कौन कौन से मंदिर के आपको दर्शन करने चाहिए, और भगवान के दर्शन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, तो ये सब सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ तो वृंदावन आने के लिए ना कोई ट्रेन है ना कोई बस है डायरेक्टली। जयपुर दिल्ली वैसे तो हर सिटी से बसें जाती हैं, लेकिन वो आती है मथुरा, और मथुरा से आपको ऑटो या फिर ई व्हीकल लेके आप आ जाएंगे वृंदावन, जो कि 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो आपको सरकारी बस में आना चाहिए, ई व्हीकल चलती है उसमें। मंगल आरती में जा रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फेमस प्लेसेज आपको विजिट करने चाहिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पहली बार। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों अभी हम जो है श्री राधा मंदिर से जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। तो यहाँ पे टोटल मिला के हम 5 प्लेसेस देखेंगे, जिसमें एक हो गया श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने योग्य है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वाला स्थान है। उसके बाद में हम जाएंगे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और केसा घाट जाएंगे, और श्री राधा रानी का मंदिर हम पहले जा चुके हैं, और मदन मोहन मंदिर वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो। टोटल मिला के 5-6 जगह जहाँ पे आपको मस्ट विजिट है अगर आप यहाँ पे कभी भी आए तो। अभी हमने लिया है येलो कलर का रिक्शा, और रिक्शे आप यहाँ पे ले सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन हाँ थोड़ा बार्गेन करना ज़रूरी है, समझ रहे हो। राधे 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 राधे। बंदर के डर के मारे मैंने उतार दिया अपना चश्मा, और आप यहाँ पे मैजिकल जो एटमोसफियर बन रहा है उसको देख सकते हैं। एक बार मैंने बोला राधे 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 राधे, तो हर जुबान पे यहाँ पे राधे राधे। और अभी हम जा रहे हैं जो बांके बिहारी मंदिर है उसकी एक सकरे सकरे गलियों से निकलते हुए अभी पहुँचने वाले हैं, और वहाँ जाके ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि हम जो है सुबह 3 से 4 बजे से मंदिरों में आरती स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ का शेड्यूल कुछ यही है, तो सुबह जल्दी उठें, आरतियों में पार्टिसिपेट करें, फिर मंगल दर्शन करें भगवान के, और ऐसा आपका दिन कुछ अच्छा जाएगा। हाँ भाई भक्तजनों, अगर आप वृंदावन में आ रहे हो तो अभी वृंदावन में भीड़ कम है ना, बस रोड भरे हुए हैं लेकिन भीड़ कम है। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के जो 3-4 गेट हैं उसमें हम आए गेट नंबर 1 पे, और जब से आए हैं तब से बरसात बरसने लग रही है भाई देखो,
और बहुत ज्यादा भीड़ है, नीचे सारा गीला हो रखा है, ऊपर से बरसात की बूंदे पड़ रहे हैं। गेट नंबर 2 से अभी हमें एंट्री करना है। दोस्तों बाकी गैलरी के नंबर 1 गेट से हम आ गए हैं बाहर, और आप इधर देख सकते हैं कि क्राउड कितना खतरनाक हो रखा है। सराउंडिंग्स देख सकते हैं। और अभी यहाँ से हम जो हैं वो थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम अभी जाएंगे प्रेम मंदिर। चलो फिर प्रेम मंदिर। तो इतना भीड़ होगा मैंने सोचा नहीं था, आज वैसे संडे है यार। भाई अभी खा रहे हैं ढोकला। ये बन रही है इधर मलाई वाली लस्सी। तो भाई यहाँ पे एक तो स्ट्रीट फूड काफी अच्छा मिलता है, जैसे कि हमने नोटिस किया, साफ सफाई के साथ गोलगप्पे भी बड़े साफ साफ मिलते हैं। और अभी जो है हम टेस्ट कर रहे हैं ढोकला। दोस्तों आप भी जब वृंदावन और मथुरा में आए तो यहाँ पे जो एक तो दूध से बनाई जो मिठाइयाँ होती हैं काफ़ी टेस्टी होती हैं, उनको जरूर ट्राई करें। और लस्सी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ढोकला भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम जा रहे हैं जो प्रेम मंदिर है वहाँ पे, चलो चलते हैं। इतनी ठोक के भीड़ भरी है भाई, एक बार तो बंदर आया मेरे चश्मा था छीन ले जाता। बच गया। फाइनली हम आ गए हैं प्रेम मंदिर के बाहर, और यहाँ लग रही बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ क्या मतलब, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हर जगह दिख रही है, और कीचड़ वीचड़ हो रखा है एकदम, इतना मिसमैनेजमेंट हो रखा है हर जगह। तो अभी जो है 1 बजने में थोड़ा टाइम बच रहा है, आप देखते हैं मंदिर बंद तो नहीं हो गया। अरे कहाँ जा रहा भैया, उधर नहीं है क्या? और भाई मंदिर हो गया क्लोज, मंदिर खुलेगा 4:30 बजे। तो यार अभी हम सोच रहे हैं कि निधिवन चला जाए, क्योंकि यहाँ तो अभी बंद है और मंदिर खुलेंगे 4:30 बजे। तो मंदिर में तो किसी में भी जा नहीं सकते, निधिवन जाएंगे, फिर वहाँ से शाम को वापस आके यहाँ पे प्रेम मंदिर में आ जाएंगे। प्रेम मंदिर के बाद में आज शाम का मेरा पूरा जो लोग होगा वो होगा इस्कॉन का यहाँ का, और यहाँ पर कीर्तन वगैरह, प्रसादम, एक दो जो ड्यूटीज होंगे उसका इंटरव्यू। साथ में अगर आपने मथुरा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले आप पीछे जाके मथुरा का व्लॉग भी देख लेना, जो कि मैंने एक इससे पहले वाला व्लॉग वही है। तो अब वेट कर रहे हैं बस आने का, जो गवर्नमेंट बस आएगी उसका। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो एंट्रेंस गेट है जाता है निधिवन के लिए, और निधिवन में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के साथ और गोपियों के साथ जो है रास रचाते थे उस समय। और यहाँ पे जो है शाम को जाना लगभग 7 बजे बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद में इसके अंदर एंट्री नहीं है, और इसके अंदर जाना सेफ नहीं माना जाता है रात को 7 बजे के बाद में। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं DSLR लेके अंदर वीडियोग्राफी कर नहीं सकता, तो ये मैं यहीं पर रखूँगा बैग में अपने, और थोड़ा चांस बना तो वीडियो बना लेंगे वरना बैग में रख लेंगे, ठीक है? तो चलो अंदर चलते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं एंट्रेंस नंबर 1 इस्कॉन टेंपल का, और जब हम यहाँ से एंटर होते हैं तो सबसे पहले दिखता है ये वहाँ गेट। ओह माय गॉड। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारी इमारत, और ये बहुत प्यारा जो दरवाज़ा है भगवान कृष्ण के मंदिर का, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, और बहुत ही प्यारा मंदिर है, और पूरा जो है वो मार्बल का बना हुआ है। और जो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं, प्रसादम ले सकते हैं, और या फिर और भी जो चीज़ें इस्कॉन के मंदिर से रिलेटेड, या फिर कंठी माला वगैरह जो भी चीज़ें आपको चाहिए हैं वो ले सकते हैं। Thank you.
दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी का प्रसाद लेके अभी मैं आ गया हूँ जो इस्कॉन वृंदावन का जो मंदिर है उससे बाहर, और यहाँ से मैं आपको अभी जल्दी से दिखाने जा रहा हूँ प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर के बाद मेरे को सीधा आना है यहाँ पे कीर्तन के लिए। और काफ़ी अच्छा, मतलब एकदम बेस्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहता है जब हम किसी भी मंदिर में आते हैं इस्कॉन के। अभी यहाँ पे क्राउड है और एक गाड़ियों की आवाज़ क्लियर आएगी नहीं, तो जो सेकंड बेस्ट टेंपल है अगर आप आना चाहते हैं वृंदावन में, तो सबसे पहले आप आइए बांके बिहारी जी के मंदिर, उसके बाद में आइए आप इस्कॉन वृंदावन, और उसके बाद में सही बात प्रेम मंदिर की। तो प्रेम मंदिर में जो है वहाँ पे अभी रात को लेजर शो होगा, लेजर शो का आनंद करेंगे। चलो फिर जय जय श्री राधे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ प्रेम मंदिर के अंदर, और समस्या ये हो गई कि मेरा DSLR उसका माइक वगैरह सब कुछ हो गया जब, तो मैं रखवा के अभी आया हूँ मंदिर के अंदर। अब मैं बना रहा हूँ मोबाइल से, तो आप मेरे पीछे देखिए ये सब जो डेकोरेशन किया गया है, और इधर बड़ी मूर्ति है वो, और इधर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्रेम मंदिर, और ये सारा जो एरिया है ये रात को कलरफुल हो जाएगा और लाइटें जलेंगी इसमें जब जगमगाए, और यहाँ पर लेजर शो होगा। तो लेजर शो का और इसका एंजॉय करने के लिए मैं अंदर आ गया हूँ। और जिस संस्था ने ये मंदिर बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और इसका जो इधर आश्रम है जिधर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, और इनके भी जो इस्कॉन की जो सारी फैसिलिटी है उसी हिसाब से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज को डेवलप किया गया है। और दोनों मंदिर काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन इस्कॉन का जो मंदिर है उसमें प्रसादी का आयोजन किया जाता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, और वहाँ पर थोड़ा भक्तिमय माहौल ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है ये मॉडर्न जो वे हैं उस हिसाब से मंदिर को बनाया गया है, गौशाला वगैरह। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ जो प्रेम मंदिर से बाहर, और मैं जितना फ़ोन से जो कंटेंट क्रिएट कर सकता था या फिर जितना अंदर शूट कर सकता था मैंने कोशिश किया, और ये रहा वृंदावन का सारा व्लॉग। और आई होप कि जैसे यहाँ पे बरसात बरस रही है वैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बरसें, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, और आप लोग ज़रूर आए। और ये कुछ 4 से 5 बेस्ट प्लेसेस थे वृंदावन में जो आपको आने चाहिए, विजिट करने चाहिए, और ऐसा ही एक व्लॉग मैंने बनाया था जो कि ब्रज का था, मतलब मथुरा का। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो व्लॉग भी देखें। इसके बाद में अगले व्लॉग में मैं जा रहा हूँ आगरा, तो आगरा का ताजमहल और वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी वो देखेंगे। उसके बाद में मैं जाऊँगा अयोध्या, और उसके बाद में बनारस, तो सारी स्पिरिचुअल जो कैपिटल हैं हिंदूज़ के लिए वहाँ पर मुझे डेफिनेटली जाऊँगा। और मिलते हैं।